दोस्तों अब आप YouTube पर कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर पाओगे। जी हाँ, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जब आप कम्युनिटी पोस्ट करने जाते हो तो वहां पर आपको वेरिफिकेशन देना पड़ता है, और वेरिफिकेशन के भी कुछ वहां पर टर्म एंड कंडीशन है, तब आप वहां पर वेरिफिकेशन दे सकते हो और इलिजिबल हो सकते हो कम्युनिटी पोस्ट करने के लिए। ये YouTube का फिर से एक तरीके से नया अपडेट कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों को काफी दिन पहले से मिल चुका हो, ठीक है, लेकिन अभी अभी जो मेरे साथ हुआ है तो वो मैं आपके साथ ये चीज बता रहा हूँ कि ये एक नई चीज यूट्यूब ने ऐड कर दी है कि अगर अब आप कम्युनिटी पोस्ट करोगे तो अब आपको भाई पहले वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, और उसमें भी जैसे आप एडसेंस में देते हो ना वैसे ही देना पड़ेगा। कैसे, चलिए हम यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहता है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर जो है देख सकते हो। दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पर यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वन टाइम वेरिफिकेशन नीडेड, यानी कि ये बोल रहा है कि या तो आप अपना यूज वीडियो वेरिफिकेशन यानी कि वीडियो बना के वेरिफिकेशन दो, या फिर अपनी कोई वैलिड आईडी से वेरिफिकेशन दो, या फिर आप अपनी चैनल की हिस्ट्री से जो है 2 महीने पुरानी कोई हिस्ट्री हो उससे जो है वेरिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों चीजें क्या है, सारी चीजों को मैं एक कर बताता हूँ। देखिए यूज वेरिफिकेशन वीडियो का, यूज वीडियो वेरिफिकेशन मतलब क्या है कि आप अपने वीडियो बना करके जो है वेरिफिकेशन दे सकते हो। वैलिड आईडी का मतलब आप अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस से जो है दे सकते हो, और चैनल हिस्ट्री जो आपकी पिछले चैनल का रिकॉर्ड है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो पर क्लिक किया और ओके कर दिया। जैसे ओके करेंगे तो क्रोम पर आ जाएंगे। क्रोम पर आने के बाद यहाँ पर आपकी जो जीमेल होगी, जो जिस पर आप कम्युनिटी करोगे, जिस जीमेल चैनल होगा उसका आपको आईडी पासवर्ड डालना है एंड देन उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर नॉट नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नॉट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोलेगा वेरीफाई दैट यू आर रियल पर्सन, यानी कि ये बोल रहा है कि कैसे आपको जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। तो ये सारी की सारी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन लिखी है, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए हम यहाँ पर कर ही दिखा देते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें पहले टिक करना है एंड देन उसके बाद आई एग्री कर देना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर बता रहा है होल्ड योर फोन एट आई लेवल, यानी कि अपने आंखों के लेवल पर फोन को होल्ड करना है। यूज लाइटिंग, ठीक है, और लाइटिंग आपको देनी है, और यहाँ पर आपको अपना हेड जो है टर्न करना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें लिखी हैं कि कैसे आपको वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है एंड देन उसके बाद ये बोल रहा है टू क्लोज, अभी फेस हमारा जो है बहुत क्लोज है, थोड़ा सा फोन को दूर रखना है एंड देन दूर रखने के बाद, ठीक है, अभी ये बताएगा। देखिए अभी मैंने सिर्फ फेस को स्टिल कर रखा है तो यहाँ पर ये बताएगा रॉन्ग, यानी कि एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि फोटो लेंगे और फोटो से ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्राई अगेन करना है। ट्राई अगेन करने के बाद आप करना है आई को जो है स्टेबल करना है एंड देन टर्न करना है ऐसे अपना फेस, ठीक है। तो इस तरीके से करना है तब जाकर आपका जो है यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टर्न योर हेड लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट राइट जो भी बताए ऊपर, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर सिंपल सा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ट्राई अगेन बता रहा है तो मैं यहाँ पर फिर से कर देता हूँ एंड देन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा एक्सेप्ट कर लिया एंड देन अपलोडिंग वीडियो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर अपलोडिंग वीडियो आ रही है, अपलोडिंग वीडियो आने के बाद यहाँ पर ये भी राउंड राउंड करेगा एंड देन इस वीडियो को ये अपलोड कर देगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद ये जो वीडियो है वो जाएगी इन रिव्यू, यानी कि प्रोसेस में एंड देन प्रोसेस में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये वीडियो में लिख कर आ रहा है कि योर वीडियो इज इन रिव्यू, ठीक है। ये आप सामने ऊपर में देख सकते हो ये लिखा है योर वीडियो इज इन रिव्यू, यानी कि हमारी जो वीडियो वो रिव्यू में चली गई है, अब YouTube इसको रिव्यू करेगा एंड देन रिव्यू करने के बाद जो है आप यहाँ से अपना कम्युनिटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे और आपको एक मेल आ जाएगा तो आप समझ जाओगे कि आप जो है एलिजिबल हो चुके हो इस चीज के लिए, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको अपना पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा तब आप अपना कम्युनिटी पोस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर कर पाओगे, ठीक है, जो भी नए क्रिएटर हैं, ठीक है, जिनका कम्युनिटी इनेबल नहीं है, ठीक। सो आई होप आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई हैं। अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबाइए ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे मिलते हैं। फिर तब तक ख्याल रखिए, वंदे मातरम, जय हिंद।